पानीपत में प्रदूषण के चलते पिछले 15 दिनों से लगभग 12,000 औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी थी, जिसमें लगभग 5,00,000 मजदूर बेरोजगार हो रोजी रोटी को तरस रहे थे। बाजार में मंदी का माहौल साफ साफ देखने को मिल जाया करता था, किंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एग्रो इंडस्ट्रीज को राहत देते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद से पानीपत की 50% एग्रो इंडस्ट्रीज शुरू होने से उद्योगपति व मजदूर खुश नजर आ रहे हैं। ये फैक्ट्री बंद पड़ी थी, आज ही चालू हुई है। पैसे का कोई साधन ही था, पूरे बेरोजगार हो गए थे, आज ही चालू हुई है। अभी ठीक है, बढ़िया है, अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन 10-15 दिन से बहुत परेशान हो गए, 10-15 दिन बिल्कुल बंद था, कुछ नहीं, पैसे कुछ साधन ही नहीं था, कहाँ जाए क्या करें। कब से शुरू हुई फैक्ट्री? आज ही शुरू हुई। खुश हो आप? हाँ जी, आप खुश हो? ठीक है, चल ही रहा है, आज चालू हुआ आगे। कितने दिन से बंद थी? 15 दिन से लगभग। क्या समस्या आ रही थी? समस्या तो ऐसी आ रही है, मतलब कहीं पावर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अब क्या, आज नेता चला है फिर भी बंद है। आज चला आया, चालू हुआ या कभी? अच्छा जी, हाँ। अब खुश हो, चालू हो गया? अब जब खुश होंगे, थोड़े काम मिला थोड़ा करने के लिए। तो हम लोग बैठा है, रोजी रोटी है नहीं, परदेसी आदमी है, अब कहाँ जाऊँगा? आज चल रहा है, नहीं चलेगा तो हम कैसे खाऊंगा? आज से आज शुरू हो गया? आज शुरू हो गया। तो कैसा लग रहा है? आज से आज चालू है, आज हम लोग नहीं खाओगे, चलाएगा तो कैसे हम लोग खाओगे? जो सरकार के द्वारा राहत दी गई है एग्रो बेस, जो गिट्टी आती है मूंगफली की और तोड़िया वगैरह की, उसके ऊपर कुछ 25-30% फैक्ट्रियाँ हमारी आज से चालू हो गई हैं। और जो जैसे जैसे हमारे पास अरेंज करेगा, ऐसे ऐसे हमारी इस पर चालू होती रहेंगी। जैसे उसके बाद वो सरकार का वो खुलेगा कोले पे, उसके बाद उस पर चालू हो जाएंगे। तो अब इससे हमारे को काफ़ी राहत मिली है, हमारी लेबरें भी काम पे आ गई और हमें भी कुछ राहत मिली है। उद्योग पिछले 18 दिन से बंद चल रहे थे, सारी इंडस्ट्री की, सारे शहर की बुरी हालत हो गई थी, और एक्सपोर्ट की जितनी कमिटमेंट थी सारों पे ही दिक्कत आ गई थी। डोमेस्टिक मार्केट में लेबर की अनरेस्ट, सारा कुछ ही होने लग गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने पूरे एफर्ट करके सीएम साहब को मिलने का टाइम लिया, तो सीएम साहब को जो मिलने का टाइम, मिलने में जो अपॉइंटमेंट लेके दी सीएम साहब से, रात को 9 बजे की, हम 9 बजे उनके पास पहुंचे। उन्होंने हमारी एक एक प्रॉब्लम को सुना भी, इंडस्ट्री वाकई अगर इतनी दिक्कत में है तो मेरे को ज़रा थोड़ी देर में पता लगा, पर मैं आपका जो है ना आपको सेटिस्फाई करके ही भेजूंगा, आप जिस तरह जो भी तरीका हो इंडस्ट्री को किसी तरीके से हमने चलाना है। उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम को समझा, दो उसके अंदर CPCB के ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ था भाई वी दैट एग्रो रेजिड्यू इज़ अलाउड। तो उन्होंने रात को सारे अपने ऑफिसर की मीटिंग रात में बुलाई, जिसके अंदर पोल्यूशन कोड का चेयरमैन, पोल्यूशन कोड के मेंबर सेक्रेटरी और उनके ACS डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ACS इंडस्ट्री सारे अधिकारी, और खुल्लर जी चीफ सेक्रेटरी, सारे उस टाइम उपस्थित थे। सबके सामने पूरी प्रॉब्लम को डिस्कशन किया उन्होंने, और हर चीज़ के तह तक पहुंचा। तह तक पहुंचने के बाद उन्होंने रात को ही 10:30 बजे ये ऑर्डर करा दिया, पब्लिकली ऑर्डर, कि एवरी इंडस्ट्री जो इस एग्रो रेजिड्यू कारण के साथ स्टॉप पड़ी हुई थी, उनको आप चला सकते हो। तो अभी कुछ 25% इंडस्ट्रियाँ चल पड़ी हैं। टोटल कितने परसेंट इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, कितने बंद रहेंगी? पहले तो पानीपत में 75% इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, अब 25% चल गई, और बाकी जो भी जिनके पास भी फ्यूल अरेंज होता जाएगा। पर हमने सब में अवेयरनेस किया, सारी इंडस्ट्री को बोला भाई हमारी सबकी, अगर सरकार हमारी इतना ख्याल कर रही है तो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी किसी भी इंडस्ट्री से धुआं ना निकले। जो साइडों में डस्ट है उस पे सारों पे पानी छिड़काव किया जाए, और कोई भी इंडस्ट्री गार्बेज को बाहर ना जलाए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हम इस ड्यूटी को पूरा रखेंगे तो शहर को पोल्यूशन से मुक्त करने में बहुत सहयोग होगा। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरिजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।